टीचर फिजिक्स पढ़ा रही थी। उसने क्लास से पूछा, बच्चों कार में ब्रेक्स क्यों होते हैं? स्टूडेंट्स ने बहुत सारे जवाब दिए। कार रोकने के लिए, कार की रफ्तार कम करने के लिए, सामने वाली गाड़ी को टक्कर ना मार दें, इसीलिए। सभी जवाब सही है, लेकिन किसी ने भी अभी तक उत्तम जवाब नहीं दिया, ऐसा टीचर ने कहा। स्टूडेंट्स दुविधा में आ गए। तो टीचर ने समझाया, बच्चों ब्रेक इसलिए होते हैं ताकि हम गाड़ी तेज चला सके। सभी बच्चों ने एक साथ पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। टीचर ने कहा, मान लो आपकी कार में ब्रेक्स नहीं है तो क्या आप तेज गाड़ी चलाएंगे? ब्रेक्स की मौजूदगी के कारण ही हम एक्सेलरेटर के पैडल को बार बार दबाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हमारे माता पिता, टीचर्स, दोस्त, शुभचिंतक सवाल पूछते हैं और हमें रोकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में तेज भाग रहे होते हैं। वो हमें सुझाव देंगे और हमारे जीवन में रुकावट लाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो ब्रेक्स लगा रहे हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर अपने जीवन के सफर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने बहुत सुधार किया है और बहुत बदलाव किया है। अपने चुनाव में और अपनी गति को आपने कम किया है, आपने खुद को ठीक किया है और अब आप पहले से बेहतर हो गए हैं। पवित्र शास्त्र कहता है नीति वचन 11:14 आयत में, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। तो समय समय पर ब्रेक लगाते रहें, आपके जीवन में अच्छी प्रगति होगी।